नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पे मैनेजर पर अब लॉगिन प्रोसेस को बदल दिया गया है। यह कार्य सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है, क्योंकि पहले पे मैनेजर पर कोई भी लॉगिन कर लेता था, चाहे एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉई आईडी की मदद और पासवर्ड की मदद से कोई भी लॉगिन कर लेता था, लेकिन उसमें कोई सुरक्षा नहीं होती थी। इसलिए अब गवर्नमेंट द्वारा पे मैनेजर पर लॉगिन करने की प्रोसेस को बदल दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पे मैनेजर पर लॉगिन करने की प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव हुए हैं और अब हम किस प्रकार से पे मैनेजर पर लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथियों, पे मैनेजर पर लॉगिन करने के लिए आपको पहले की ही तरह अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके गूगल के सर्च बॉक्स में आकर आपको लिखना है पे मैनेजर और सर्च पर क्लिक कर देना है। और जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, अल्टरनेटिव यूआरएल 2 पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ कुछ ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। एक ऑप्शन ऐड किया गया है डिजिटल, डिपार्टमेंट और HOD। ये तीन ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। तो एम्प्लॉई को लॉगिन करने के लिए एम्प्लॉई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम एम्प्लॉई आईडी से लॉगिन करके देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ है लॉगिन की प्रक्रिया में। तो यहाँ यूजर नेम में आपको अपना एम्प्लॉई आईडी डालना है, चाहे स्मॉल लेटर्स में डालें या कैपिटल लेटर्स में डालें। और यहाँ वो पासवर्ड डालना है जो आपने अपने पे मैनेजर पर लॉगिन करने के लिए डिसाइड कर रखा है। और इसके बाद ऊपर जो एक कैप्चा शो हो रहा है, इसको यहाँ नीचे वाले बॉक्स में लिख दें और DDO की जगह यहाँ पे आपको एम्प्लॉई पर क्लिक करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आता है OTP वेरिफिकेशन का। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है OTP वेरिफिकेशन, यानी अब आपको लॉगिन करने के लिए OTP की मदद लेनी पड़ेगी। और यह OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा जो पे मैनेजर पर आपने दर्ज करवा रखे हैं। अगर आपके पास ये मैसेज शो नहीं हो रहा है तो आपको अपने DDO से संपर्क करके अपने एम्प्लॉय डेटाज में पे मैनेजर पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करवाना चाहिए। अगर आपने मोबाइल नंबर ऐड नहीं करवाया है तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन नहीं आएगी। तो अपना मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट करवा लें और अपडेट करवाने के बाद में फिर आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करने की ये प्रक्रिया दोहराएंगे, आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आएगा और नीचे OTP कोड आएगा। इसके लिए यहाँ पे बॉक्स खाली दिया हुआ और यहाँ ऑप्शन दिया है सेंड OTP। तो इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को 2 मिनट के अंदर अंदर डालना है। जैसे आप यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है। बाई चांस अगर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से टाइम लगता है तो विद इन 2 मिनट्स आपको ये OTP यहाँ डालना है। जैसे आप ये OTP डालते हैं, उसके बाद में आप OTP डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। बाद जैसे आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं, आप अपने पे मैनेजर पर लॉगिन हो जाते हैं। तो ये भी प्रक्रिया आपके एम्प्लॉय आईडी द्वारा OTP की मदद से अपने पे मैनेजर पर लॉगिन करना। इसके बाद आप सारी प्रक्रिया पुनः पहले के जैसे ही दोहरा सकते हैं। जो यहाँ से GA-55 निकालना है, TA बिल भरना है, अपनी और डिटेल्स को चेक करना है आदि। तो ये थी पे मैनेजर पर लॉगिन करने की नई प्रक्रिया। अब बिना OTP के आप अपने पे मैनेजर पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे और कोई दूसरा भी व्यक्ति अनऑथराइज रूप से पे मैनेजर पर लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।